फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं गंगा सागर आया हूँ और ये जगह गंगा सागर मेला के लिए काफी फेमस है। गंगा सागर आइलैंड जाने के लिए आपको सियालदा स्टेशन से नामखाना लोकल ट्रेन पर उठना होगा और आपको नामखाना या कागदी पे उतरना होगा। सियालदा रेलवे स्टेशन से कागदिक लगभग 85 किलोमीटर दूर है। सियालदा रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा कागदिक पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। अभी हम कागदिप स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहां से मुझे लॉट नंबर 8 जाना पड़ेगा जहां से मुझे गंगा सागर के लिए फेरी मिल जाएगी। कागदिप रेलवे स्टेशन से आप ऑटो करके लॉट नंबर 8 तक जा सकते हैं। लॉट नंबर 8 से सरकारी फेरी चलती है जो गंगा सागर आइलैंड में स्थित कोचुबेरिया घाट तक जाती है। फेरी का टिकट काउंटर से खरीदा जा सकता है। अभी हम फेरी में उठ चुके हैं। ये फेरी मुझे लॉट नंबर 8 से कुछ बेरिया घाट तक ले जाएगा जहां जाने में करीबन 1/2 घंटे का समय लगेगा। गंगा सागर या सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड है। सागर द्वीप गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है जो इसे सबसे पॉपुलर धार्मिक स्थलों में से एक बनाता है। अपने धार्मिक महत्व के कारण गंगा दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और जिस बिंदु पर गंगा समुद्र से मिलती है उसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। गंगा सागर मेले के दौरान नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर साल जनवरी में हजारों तीर्थ यात्री आते हैं। गंगा सागर मेला के लिए काफी भीड़ है यहाँ पर और पूरे रास्ते को सजाया गया है। गंगा सागर मेला कोचुबेरिया बस स्टैंड से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। कोचुबेरिया से कपिल मुनि आश्रम तक बस से जाना पड़ता है जहाँ गंगा सागर मेला आयोजित होता है और यात्रा में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। बस से उतरने के बाद कपिल मुनि आश्रम तक पहुंचने के लिए करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये जगह गंगा सागर मेला के लिए काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मेला लगता है हर साल। पश्चिम बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक गंगा सागर मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान बड़े पैमाने पर दौरा किया जाता है। गंगा सागर की कहानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मिलने के समझौते और मोक्ष के आकर्षण की है। मकर संक्रांति के दौरान मोक्ष की तलाश में दुनिया भर से लाखों तीर्थ यात्री गंगा सागर मेले में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद तीर्थ यात्री पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं।
गंगा सागर का मुख्य आकर्षण संत कपिल मुनि को समर्पित मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि ने अपने प्रारंभिक वर्षों में वेदों का विशाल ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए कपिल मुनि की पूजा लोगों द्वारा उनके पापों को दूर करने के लिए की जाती है। इस विश्वास के साथ लाखों लोग सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार का जाप करते हुए कपिल मुनि मंदिर जाते हैं। गंगा सागर मेले में कई स्टॉल लगते हैं। मेले के पास एक थीम पार्क भी है। यहाँ कई खाने पीने के स्टॉल हैं, जहाँ विजिटर्स खा पी सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।